हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल गोरी चैनल। आज की वीडियो में हमने देखना है कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र में जब भी यूट्यूब का लिंक ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको यूट्यूब की एप्लीकेशन में लेके चला जाता है। तो इससे बहुत बंदा इरिटेट होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने। आप जब भी यूट्यूब वाले लिंक को ओपन करेंगे या YT स्टूडियो पर जाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन में लेकर चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब वाली एप्लीकेशन पर टैप करके रखना है। उसके बाद मोर इन्फो वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने ओपन बाय डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और ओपन स्पॉटेड लिंक्स, इसके बाद आप आस्क एवरी टाइम कर दीजिए। इसके बाद आप सिंपली बैक कर दीजिए और यही प्रोसीजर आप YT स्टूडियो में भी कीजिए। इसी तरीके से एडवांस और ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, इसके बाद ऊपर ओपन स्पोर्ट लिंक्स, इस पे आप आस्क एवरी टाइम करेंगे तो आपसे ये हर दफ़ा पूछेगा कि आप किस में चलाना चाहते हैं। अब आप जिस टाइम भी इसमें आएंगे, तो अगर आपने आस्क एवरी टाइम किया तो आपसे ये आने के लिए यहाँ एप्लीकेशन ओपन करने के लिए पहले परमिशन लेगा। ये आप देखिए, इसमें अब मैंने ये youtube.com सर्च किया है तो ये हमारी इसी क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। इसे मैं डेस्कटॉप मोड पर भी ओपन कर सकता हूँ और इसके बाद आपको YT स्टूडियो भी इसमें चला के दिखा देता हूँ मैं। स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे तब भी ये आपसे परमिशन लेगा। पहले पूछेगा आप कहाँ पर चलाना चाहते हैं। आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर करें या फिर YT स्टूडियो ऐप पर क्लिक करें। जैसे भी आप चलाना चाहते हैं इसे आप इजीली चला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।